मस्त रहिए। हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका। देश में इन दिनों चीन के खिलाफ भावनात्मक विरोध आसमान छू रहा है। चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग हो रही है। कई लोगों ने तो इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव के लिए चीन पहले से ही अमेरिका और दूसरे कई देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई यूरोपीय देश चीन पर कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं और ड्रैगन को शक की नज़र से देख रहे हैं। गलवान वैली में हरकत के बाद से भारत में भी चीन के खिलाफ विरोध मुखर हो रहा है। चीन के प्रोडक्ट के खिलाफ कई लोग सामने आकर खुलकर बोलने लगे हैं। कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। सोनम वांगचू के YouTube वीडियो अपील को देश भर में देखा गया, लोगों ने इसे खूब पसंद किया है। कई मीडिया संगठनों ने इस पर खूब सारा न्यूज बनाया है और बहुत सारे लोगों ने इसको घर घर तक पहुंचाया है, खूब शेयर किया है सोशल मीडिया पर। चीनी सामानों के इसी विरोध को देखते हुए कुछ चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि भारत और चीन के बीच ट्रेड यानी व्यापार कितना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच व्यापार सन 2000 से 2008 के बीच 3 अरब डॉलर से बढ़कर 51.8 अरब डॉलर हो गया था। 2018 तक भारत और चीन के इस व्यापार में और तेजी आई और ये बढ़कर 94.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी बात, भारत और चीन के बीच ये ट्रेड किन किन चीजों को लेकर होता है। जहां चीन भारत में टेलीकॉम उपकरण, बिजली के सामान, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, खाद जैसी चीजें बेचता है, वहीं भारत चीन को डायमंड और दूसरे प्राकृतिक रत्न, कॉटन और कॉपर मुख्य तौर पर बेचता है। आपने देखा कि दोनों देशों के बीच व्यापार किन किन चीजों को लेकर हो रहा है और सन 2000 से लेकर अब तक ये व्यापार कितना गुना बढ़ चुका है। लेकिन ठहरिए और जरा सोचिए, भारत और चीन के बीच होने वाले इस विशाल पैमाने पर व्यापार में किसको फायदा हो रहा है? क्या फायदा भारत को हो रहा है या फिर चीन को? पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच ट्रेड तो खूब बढ़ा है, लेकिन व्यापार का बढ़ना ये नहीं बताता है कि भारत को फायदा ही पहुंचा है। चीन के साथ व्यापार में चीन का ही पलड़ा भारी है। इसका मतलब व्यापार संतुलन में चीन बाजी मार रहा है। कैसे? चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा यानी ट्रेड डिफिसिट करीब 59.1 बिलियन डॉलर का है, यानी फायदा सीधे सीधे चीन को पहुंच रहा है। चीन भारत में खूब सारा सामान बेच रहा है और हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की कंपनी चीन में ज्यादा सामान नहीं बेच पा रही हैं, इससे भारत को व्यापारिक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। अब ये अलग सवाल है कि भारत की कंपनीज चीन में ज्यादा सामान क्यों नहीं बेच पा रही हैं? इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है चीन के मुकाबले भारतीय सामानों की कीमत का अधिक होना। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। चीन के साथ व्यापार में होने वाले घाटे को लेकर एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आपको मालूम होगा कि भारत का कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, कहीं उसे फायदा होता है तो कहीं उसे नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दूसरे कई देशों के मुकाबले चीन के साथ होने वाला भारत का व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा है। भारत सरकार चाहती है कि चीन के साथ उसका व्यापारिक घाटा कम हो और ये फायदे में बदल जाए, लेकिन चीन केवल व्यापारिक मोर्चे पर ही आगे नहीं निकलना चाहता है। वो विस्तारवादी नीतियों के तहत अपनी नजरें हिंदुस्तान की जमीन पर भी गड़ाए हुए हैं। चीन का झगड़ा केवल भारत के साथ ही नहीं चल रहा है, बल्कि ड्रैगन का विवाद दूसरे कई देशों के साथ भी है। ड्रैगन पर दुनिया के कई देश इस सिलसिले में आरोप भी लगाते रहे हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ चीन हमारी सीमाओं पर नापाक हरकत कर रहा है तो दूसरी तरफ वो हमारे हिंदुस्तान के बाजारों में सस्ती कीमतों पर सामान बेचकर व्यापारिक फायदा भी उठा रहा है।
चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग करना तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात सोचना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या ऐसा करना सचमुच संभव है या चीनी सामान का बहिष्कार हम वाकई में कर सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रोडक्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में चीनी सामान का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आपका फोन हो या फिर पानी पीने का बॉटल। होली दिवाली जैसे भारतीय त्योहारों का उदाहरण ही लीजिए। होली पर बिकने वाली पिचकारी से लेकर गुलाल तक सस्ते दामों पर बाजार में उपलब्ध रहती है। दिवाली पर रंग बिरंगी लाइट्स भी खूब बिकती है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर आम भारतीयों के घरों में चीनी सामानों की पहुंच को दिखाता है। हो सकता है कि जिस मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप या टीवी पर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हो वो भी चीन से आया हो, या फिर उसमें भी चीन में बने सामानों को लगाया गया हो, यानी चीनी सामान की पहुंच हर घर में है। अब आप खुद ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी सामानों के बहिष्कार की असलियत कहाँ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन का विरोध नहीं कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, वो हमारा हक है। हमें भी अपने स्तर पर पहल करनी होगी। जितना संभव होगा हमें मेड इन इंडिया सामानों को खरीदना होगा। भारतीय कंपनियों को प्रायोरिटी देनी होगी। सरकार को भी भारतीय कंपनियों के आगे बढ़ने के लिए ऐसे उपाय करने होंगे जिससे वो कम कीमत में बेहतर क्वालिटी के सामान बना सके। लड़ाई लंबी है लेकिन मुश्किल नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियोस देखने के लिए इंडिया लॉग बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।